क्या आपको पता है कि KGF के चैप्टर 1 में जो विलन है गरुड़ा, वो कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है? और सलमान खान का रियल नेम क्या है? और ऐसे ही बहुत सारे अननोन फैक्ट्स अबाउट इंडियन एक्टर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। क्या आपको पता है कि टाइगर श्रॉफ का जो असली नाम है वो टाइगर श्रॉफ नहीं है बल्कि जय हेमंत श्रॉफ है? और ऐसे ही ऋतिक रोशन का असली सरनेम रोशन नहीं बल्कि नागराथ है, यानी कि ऋतिक नागराथ। शाहरुख खान जो पूरी दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर है, और शाहरुख खान के पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस है, और उन्हीं में से आते हैं ऑस्ट्रेलिया के दो ऐसे फीमेल फैंस जिन्होंने शाहरुख खान के लिए चांद पर ज़मीन खरीदी और शाहरुख खान को दी उनके बर्थडे पर एज अ गिफ्ट। और क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की जो मूवी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन गाइस आपको ये सुनकर शॉक लगेगा कि शाहरुख खान ने वो मूवी बिना कोई स्क्रिप्ट और स्टोरी सुने ही वो फिल्म साइन कर दी थी। और गाइस शाहरुख खान के बारे में एक और फैक्ट है कि शाहरुख खान की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबका नंबर 555 है। रणवीर सिंह जो बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन गाइस क्या आपको ये पता है कि रणवीर सिंह जब छोटे थे तो वो स्कूल से सस्पेंड किए गए थे, और सस्पेंड करने का रीज़न ये था कि वो अपनी क्लास में चल छैया छैया सॉन्ग सुनते हुए पकड़ा गए थे। रणबीर कपूर जिनकी टोटल नेटवर्थ है 322 करोड़, लेकिन गाइस आपको ये सुनकर शॉक लगेगा कि रणबीर कपूर आज भी अपनी मॉम यानी नीतू सिंह से हर महीने 1,500 रुपये लेते हैं एज अ पॉकेट मनी। महेश बाबू जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार में से एक है, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि महेश बाबू को तेलुगु लिखनी और पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती। महेश बाबू सिर्फ तेलुगु बोल और समझ सकते हैं, और इसीलिए फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग डायरेक्टर खुद पढ़कर महेश बाबू को सुनाते हैं। मिस्टर इंडिया जो एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी, लेकिन इसके आपको पता है कि ये मूवी पहले अनिल कपूर को नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन जी को ऑफर की गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये मूवी रिजेक्ट कर दी थी। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि सलमान खान का असली नाम सलमान खान नहीं बल्कि अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है, और KGF चैप्टर 1 में जो विलन है गरुड़ा वो कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। जी हाँ गाइस, कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है बल्कि यश के पर्सनल बॉडीगार्ड है।